नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ दानिश अज़ा खान और आप देख रहे हैं पीएनसी न्यूज। दोस्तों ये दरअसल जो मामला है बुरहानपुर के नेपानगर के वार्ड क्रमांक 5 का है, जहां पर कुछ ही महीने पहले एक आंगनवाड़ी बनी है और उसकी आंगनवाड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार सामने नजर आया, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से जो आंगनवाड़ी के अंदर पहले ही बारिश में जो आंगनवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार की पोल है वो खुल गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इसके अंदर भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। ये आंगनवाड़ी जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चे जब पहुँचे आंगनवाड़ी के अंदर तो आंगनवाड़ी उनको आंगनवाड़ी ही नहीं बल्कि एक स्विमिंग पूल दिखी, जिसके बाद में बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, बच्चों ने ये देखते ही वहाँ पर जो है स्विमिंग करना शुरू कर दिया है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे तो अपने खेल के लिए आंगनवाड़ी में आते हैं, पढ़ाई के लिए। ये आंगनवाड़ी एक ऐसी आंगनवाड़ी होती है जहाँ से हमारी भी जो शुरुआतें हुई है और आपकी भी शुरुआत यहीं से हुई है। बच्चा स्कूल जाने से पहले आंगनवाड़ी जाता है और इन भ्रष्टाचारियों ने आंगनवाड़ियों को भी नहीं छोड़ा है। आंगनवाड़ी के अंदर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पानी गला और जिसके बाद में आंगनवाड़ी से स्विमिंग पूल बन गई। पानी गलने की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके तत्काल हमारे द्वारा कार्य करा दिया गया है। फिर भी कुछ और कमी रहेगी तो तत्काल उसको पूर्ण कराया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि आपके द्वारा नगर पालिका द्वारा एक बार भी उसका निर्माण कार्य के नए होने के बाद में भी अभी तक के कोई व्यवस्था देखी नहीं गई उसकी कि क्या पानी गल रहा है क्या नहीं। मेरे द्वारा 2-3 बार संरक्षण किया गया, पानी जहाँ भी गल रहा है उसकी रिपेयरिंग करा दी गई है। फिर भी और किसी भी आंगनबाड़ी में कमी पाई जाती है उसको तत्काल समस्या का निराकरण किया जाएगा। सर ये कितनी लागत से बनाई गई आंगनबाड़ी? ये करीब 7-8 लाख की लागत से प्रत्येक आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया। जो सर इसके पीछे जो कुआ है और जो कुआ खुला है तो उसको बंद करने की योजना है आपकी, किसको बंद करें ताकि बच्चों को हिफाजत हो सके? हमारे द्वारा कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, किसी भी कोई बच्चा कुएं की तरफ नहीं जा पाएगा। तो देखा आपने क्या कहा है नेपाल का जो CMHO ने, हमने जो इस मामले में उनसे बात की तो उनका क्या कहना पड़ा है। एक खास बात इसमें ये रही कि जो ये आंगनवाड़ी भवन है बुरहानपुर की जो नेपालनगर की जो नगर पालिका है उससे महज 100 मीटर की दूरी पे ये आंगनवाड़ी भवन बनाया गया है, जिसके अंदर भ्रष्टाचारियों ने इसको भी नहीं छोड़ा और इसके अंदर टोटल भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। दीदी उठ